हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ये हम लोग का सेकंड क्लास है कंप्यूटर साइंस का। तो हम लोग जो चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे वो कंप्यूटर लैंग्वेज, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था जो प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, ठीक है, लैंग्वेज क्यों चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर्स को भी एक लैंग्वेज चाहिए जो वो अपना काम कर सके, यस और नो। देन प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। उसके साथ जो कंप्यूटर का लैंग्वेजेस है उसको हम लोग ने क्लासिफाई किया था लास्ट क्लास में। जो बेसिक लैंग्वेज है वो क्या है, मशीन लैंग्वेज, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज एंड लास्ट में फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, ओके। तो बेसिक जो मशीन लैंग्वेज है उसके बारे में आज हम लोग ये क्लास में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, ये नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है कि मशीन का मतलब जो मशीन को समझ में आता है, ओके। ये पिक्चर देख रहे हो ना यहाँ पे, ये पिक्चर में थोड़ा ध्यान दो, ये क्या है, एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। बहुत साल पहले जो फर्स्ट जनरेशन कब स्टार्ट हुआ, लाइक 1950 प्लस उस समय में हुआ था, वो उससे भी शायद पहले होगा, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बहुत साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो उस समय में कंप्यूटर्स का जो टेक्नोलॉजी था उतना अपग्रेड नहीं था, ठीक है। तो मेमोरी उतना अपग्रेड नहीं था, कोई भी फीचर्स मतलब उतना अपग्रेड नहीं था, ठीक है। जो कंप्यूटर्स हुआ करता था एक बहुत ही बड़ा एक कमरे मतलब सिस्टम हुआ करता था, लाइक एक रूम में एक कंप्यूटर को ऐसे सेटअप किया जाता, मतलब जाता करता था उस समय में, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर रूम में एक मतलब एक बहुत बड़ा रूम में एक कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे इमेज में पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन, पहला जनरेशन में जो जब जो पहले पहले कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ उस समय में ये लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, ठीक है। तो व्हाट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड, ठीक है। कंप्यूटर्स को एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, हमेशा याद रखना, कंप्यूटर्स को एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, वो है मशीन लैंग्वेज, और हम लोग उसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्या, बाइनरी लैंग्वेज। आइदर उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं और उसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस इन बाइनरी फॉर्म दैट इज 0 एंड 1। ये हम लोग ये जो लैंग्वेज है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जो लैंग्वेज है इसमें 0 होता है, उसके बाद क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो मशीन लैंग्वेज है हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, आइदर 0 एंड 1। तो हमेशा याद रखना, कंप्यूटर नोज ओनली जीरो से एंड वंस, कंप्यूटर्स को हमेशा जीरो से एंड वंस ही समझ में आता है, और उससे एक्सेप्ट जीरो से एंड वंस कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है। जीरो का मतलब क्या है, ऑफ, ऑफ स्टेट, जीरो का मतलब क्या है, ऑफ स्टेट, एंड वन का मतलब क्या है, ऑन स्टेट। हमेशा याद रखना, जीरो का मीनिंग क्या है, ऑफ स्टेट, और वन का मीनिंग क्या है, ऑन स्टेट। मशीन लैंग्वेज हैज द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। ये जो मशीन लैंग्वेज है वो बहुत ही हाई स्पीड है, और ये जो मेमोरी को जो कंज्यूम करता है, बहुत ही कम मेमोरी को वो कंज्यूम करता है। क्यों, इसका भी एक रीजन है, मशीन लैंग्वेज इतना हाई स्पीड क्यों है, बिकॉज मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं होता है। जैसे हम लोग एबीसीडी लिखते हैं ना, तो एक्चुअली में क्या होता है, एबीसीडी जब हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं, हम लोग का जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या करेगा, जो हम लोग टाइप करेंगे उसको मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करेगा। हम लोग का जो कीबोर्ड होता है, हम लोग का जो कंप्यूटर का सिस्टम में जो कीबोर्ड होता है उसमें एक सॉफ्टवेयर लगा होता है, मतलब उसमें एक ऑलरेडी वहां पे इनबिल्ट, मतलब जो कीबोर्ड है उसका काम ही यही है कि जो भी हम लोग टाइप करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज से, मतलब जो भी हम लोग टाइप करेंगे अपना कीबोर्ड से, वो क्या होगा, मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जीरो से वन तक कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग अगर ए को टाइप करेंगे, ए को अगर हम लोग अपना कीबोर्ड से अगर ए टाइप करेंगे तो ए क्या होगा, मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो कौन करेगा, हम लोग का कंप्यूटर सिस्टम करेगा, ठीक है, हम लोग का कीबोर्ड करेगा।
इसीलिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मशीन लैंग्वेज का जो मशीन लैंग्वेज जो है उसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बहुत ही हाई स्पीड है। बहुत साल पहले जब वो लोग कंप्यूटर्स को यूज करते थे, तो वो लोग डायरेक्टली मतलब कि उन लोग के पास कीबोर्ड नहीं था, ठीक है। उन लोगों के पास ऐसा जो हम लोग अभी कीबोर्ड जो यूज कर रहे हैं क्वार्टी कीबोर्ड, उन लोगों के पास उस टाइप का कीबोर्ड नहीं था। उन लोग कुछ वो लोग पंच कार्ड, तुम लोगों ने नाम नहीं सुना होगा शायद, उन लोगों ने वो लोग पंच कार्ड, एक कार्ड जैसे एटीएम कार्ड है ना, उस टाइप का एक कार्ड वो लोग यूज करते थे उस समय, उसको हम लोग पंच कार्ड बोलते थे, ठीक है। और बहुत सारा टेक्निक्स था उस मतलब उस समय में, तो वो लोग कीबोर्ड में टाइप नहीं करते थे, उन लोग के पास कीबोर्ड नहीं था। वो लोग डायरेक्टली जीरो से वंस के साथ डायरेक्टली डील करते थे, वो लोग डायरेक्टली जीरो से वंस के साथ। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा स्पीड है, क्योंकि उसको मतलब जीरो से वंस में अगर टाइप करेंगे तो कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं है, यस और नो, डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आ रहा है। इसलिए क्या है, वो बहुत ही ज्यादा स्पीड है, ठीक है ना। और या तो ए मतलब वहां पे जीरो से वंस को टाइप कर रहे हो डायरेक्टली, तो वहां पे कोई मेमोरी का यूटिलाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली कंप्यूटर जीरो से वंस को मतलब डायरेक्टली वो कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग कुछ जैसे हम लोग टू को लिखेंगे, तो टू जब हम लोग टाइप करेंगे, टू को कहीं पे रखना पड़ेगा, से ए, ए में क्या आया, टू आया, उसके बाद बी, बी में भी मैंने क्या किया रखा, थ्री रखा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी करूंगा। यहाँ पे ए क्या हुआ, जब भी हम लोग कोई भी नंबर को टाइप करेंगे, उस नंबर को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी कंप्यूटर के पास होता क्या है, मेमोरी होता है, मेमोरी कंप्यूटर के पास क्या होता है, मेमोरी। तो ये टू जो है, मैं कीबोर्ड से अगर टू टाइप करूंगा तो टू कहाँ पे स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा। उसके बाद थ्री कहाँ पे स्टोर होगा, थ्री कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे बी में स्टोर होगा। तो बी क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, और ए क्या है, एक मेमोरी लोकेशन। उसके बाद क्या करूंगा मैं, ए प्लस बी दोनों को मैं ऐड करूंगा, दो जो मेमोरी लोकेशन है, ए प्लस बी दोनों को मैं ऐड करूंगा, उसके बाद रिजल्ट कितना आएगा, फाइव आएगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे यही जो हो रहा है कि यहाँ पे मेमोरी का यूज हो रहा है, जो हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं ना कंप्यूटर्स, उसमें मेमोरी यूज हो रहा है। लेकिन जो पहले जो कंप्यूटर्स था उसमें मेमोरी यूज नहीं होता था, डायरेक्टली जीरो से वंस को डायरेक्टली वो लोग ऐड करते थे, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग मशीन लैंग्वेज इज ए टफ, ये बहुत ही टफ है, क्योंकि जीरो से वंस में अगर तुम लोगों को कोई एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ये बहुत ही टफ है, ठीक है। एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि तुमको अगर टू को टू एंड थ्री, टू प्लस थ्री करना है, तो टू का बाइनरी कोड निकालना पड़ेगा, उसके बाद थ्री का बाइनरी कोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाइनरी कोड निकालने के बाद बाइनरी एडिशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। बट इतना प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, आज के दिन में हम लोग डायरेक्टली 2 प्लस 3 करेंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट एंड डिबग प्रोग्राम्स, ऑलरेडी मैंने बोला ये थोड़ा डिफिकल्ट है लिखने का, ठीक है। डिबग प्रोग्राम्स, अगर कोई कहीं पे अगर गलती हो गया तो उसको ढूंढने में, मतलब उसको जो गलती है, जो मतलब कहीं पे गलती हो गया, उसको डिबग करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। रिटेन इन मशीन लैंग्वेज, इट इज स्ट्रिंग एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट, ये डायरेक्टली मशीन से मशीन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटेन ऑन वन कंप्यूटर मे और मे नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर। और ये भी एक प्रॉब्लम था कि एक मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम अगर एक मशीन में, इस मशीन में अगर तुम लिखोगे, तो ये जो प्रोग्राम यहाँ पे जो तुमने प्रोग्राम लिखा, ये प्रोग्राम दूसरा मशीन में रन नहीं भी हो सकता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम जो केसेस है उसमें नहीं होता है, ठीक है। पर आज के दिन में अगर कोई जैसे कोई भी एक स्मॉल सा प्रोग्राम हो, तो हम लोग कोई कई मतलब जैसे तुमने कोई एक प्रोग्राम लिखा, तो उस प्रोग्राम को तुम अपना कंप्यूटर में रन कर सकते हो और मेरा कंप्यूटर में भी रन कर सकते हो, ठीक है। वो कई मतलब हर एक सिस्टम में रन कर सकते हो, या तो तुम्हारा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या तो तुम्हारा मतलब आईफोन मतलब क्या मैक का सिस्टम है, ठीक है। तो या तो लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना कोई भी मशीन में तुम्हारा प्रोग्राम को रन कर सकते हो। लेकिन पहले क्या था, अगर तुम अपना प्रोग्राम में एक अपना सिस्टम में अगर एक प्रोग्राम को लिखोगे, उस प्रोग्राम को दूसरा सिस्टम में तुम रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। बात को समझ में आ रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस वेरी फ्यू पीपल ऑप्ट फॉर स्पेशलाइजेशन इन मशीन लैंग्वेज, इसीलिए बहुत कम ऐसा लोग है जो मतलब उसको चूज करते हैं, ऑप्शनल चूज करते हैं फॉर स्पेशलाइजेशन इन मशीन लैंग्वेज, ओके। That is why machine language is also regarded as low level language. इसीलिए machine language को low level language बोला जाता है।
तो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन लैंग्वेज में दो ही यहाँ पे जो डिजिट होता है यूज होता है, वो है 0 एंड 1। 0 का मीनिंग क्या है ऑफ, एंड 1 का मीनिंग क्या है ऑन। ओके, और मशीन लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हैं, या तो उसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड जो लैंग्वेज आया वो सेकेंड जनरेशन में आया, उसको हम लोग, वो सेकेंड जनरेशन का याद नहीं मुझे डेट एग्जैक्टली, उसके बाद आया। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के बाद आया, 1984 समथिंग उस समय में आया। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में जो लैंग्वेज डेवलप हुआ उसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज होता क्या है, ये हम लोग रीड करने से पहले मैं यहाँ पे स्मॉल सा एक समरी दे देता हूँ। असेंबली लैंग्वेज एक लैंग्वेज जैसे कोड होता है, कोड जैसे सी कोड, कुछ कोड होता है ना, कोडिंग में हम लोग बात करते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज भी ऐसा ही एक कोड होता है, जैसे हम लोग कोड में बात करते हैं ना, तो असेंबली लैंग्वेज भी ऐसा ही एक कोड होता है। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, हम लोग कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं, लाइक यहाँ पे दिस लैंग्वेज यूजेस निमोनिक कोड्स फॉर कोड्स और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ 0 एंड 1। मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ निमोनिक्स को यूज करेंगे, निमोनिक्स कोड्स, मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निमोनिक्स कोड्स। हमेशा याद रखना, सेकेंड जेनरेशन लैंग्वेजेस यूज निमोनिक कोड्स। ओके, निमोनिक कोड्स और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ 0 एंड 1। हम लोग यहाँ पे 0 एंड 1 को रिप्लेस करके कुछ निमोनिक्स कोड्स को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑपरेशन कोड फॉर एड, हमें ये लाइन को हमेशा ध्यान से देखो, इफ द ऑपरेशन कोड फॉर एड, अगर एड एड ये जो एड है उसका अगर ऑपरेशन कोड क्या है 0010, ये है। मतलब अगर हम लोग 0010 को अगर हम लोग मशीन लैंग्वेज में लिखेंगे तो एडिशन, मतलब एडिशन है। ठीक है, तो असेंबली में क्या होगा, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट कैन बी डायरेक्टेड रिटेन एज एड, हम लोग ये जो एड है ऐसे लिख सकते हैं। अगर बाइनरी में तुमको लिखना है तो तुमको 0010 लिखना पड़ेगा, लेकिन असेंबली में लिखोगे डायरेक्टली उसको एड लिख सकते हो। समझ में आएगी नहीं, इसका मीनिंग एडिशन है, इसका मीनिंग भी एडिशन है, लेकिन हम लोग 0010 को हम लोग लिखने से, इसको रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं, कि एड जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निमोनिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निमोनिक्स। ओके, नेक्स्ट, इन असेंबली लैंग्वेज बिकॉज ऑफ असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिंबोलिक कोड्स, या सिंबोलिक कोड्स बोलते हैं उसको, हेंस इट इज इजी टू वर्क विद असेंबली लैंग्वेज देन इन बाइनरी लैंग्वेज। ये क्या है, असेंबली लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज या तो मशीन लैंग्वेज से थोड़ा इजी है, थोड़ा। जैसे हम लोग का तुम लोग ने देखा नहीं होगा शायद, बहुत सारा ऐसा मशीन है जो आज के दिन में असेंबली लैंग्वेज को यूज करते हैं, क्योंकि मशीन लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा टफ होता है। और एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज थोड़ा स्पीड है, मशीन लैंग्वेज से थोड़ा कम स्पीड है, लेकिन जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं ना उससे थोड़ा ज्यादा स्पीड है। समझ में आया कि नहीं, मतलब जस्ट सिंपली एक काम किया कि जो भी हम लोग का 0s and 1s था उसको रिप्लेस करके कुछ कोड में उन लोगों ने कन्वर्ट किया। ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग द बाइनरी कोड्स वी यूज हियर इज एज अ सम निमोनिक्स कोड। ओके, सिंस ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ाई किया कि कंप्यूटर्स को ओनली मशीन लैंग्वेज समझ में आता है, तो इसीलिए ये जो असेंबली लैंग्वेज है वो भी मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जो ये कन्वर्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असेंबलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, असेंबलर। पढ़ लेते हैं लाइन, ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स नोन एज असेंबलर। जो ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, असेंबलर बोलेंगे, जो ट्रांसलेटर का काम करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ए प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ सोर्स प्रोग्राम। तो असेंबली लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम को हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स प्रोग्राम बोलेंगे। ठीक है, वेयर इज द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द असेंबलर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद जो ये सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा जो मशीन लैंग्वेज तक कौन कन्वर्ट करेगा, असेंबलर कन्वर्ट करेगा, जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलेंगे या तो ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे। मतलब जो भी असेंबली लैंग्वेज होगा उसको असेंबलर मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करेगा, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या तो ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे। ठीक है, सिंपल।
तो ये यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 1.2, यहाँ पे सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर दिया हुआ है, ये एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर है। तो एटलीस्ट ये जो कंप्यूटर है थोड़ा डेवलप है फर्स्ट जनरेशन से, ठीक है। लाइक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। हाँ, मशीन लैंग्वेज के जैसा ही असेंबली लैंग्वेज भी क्या है, मशीन डिपेंडेंट है। एंड प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पे भी जो प्रोग्रामिंग होता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, वो मशीन लैंग्वेज से थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग है, बट टाइम कंज्यूमिंग होगा ही इसमें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा कोड को यूज करेंगे, इसलिए बहुत सारा कोड को याद रखना भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फिर भी एटलीस्ट मशीन लैंग्वेज से थोड़ा बहुत ईजी है, ठीक है। डज इट ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज, इसको भी इसीलिए हम लोग को लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं असेंबली को, ठीक है। सो यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है, लेडी एडा लोवेलेस ए, ये क्या है, एक साइंटिस्ट था, ए मैथमेटिशियन था, एक साइंटिस्ट भी है एक मैथमेटिशियन भी है, इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। वो क्या है, पहला जो ओमेन लेडी प्रोग्रामर जो था वो था, ठीक है, एज द फर्स्ट प्रोग्रामर, ठीक है। शी वॉज द डॉटर ऑफ फेमस इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, ठीक है। वो जो लेडी एडा लोवेलेस है वो क्या है, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, रिगार्ड एज अ फर्स्ट कंप्यूटर, सॉरी नॉट लेडी प्रोग्रामर, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, नॉट लेडी, ठीक है। पहला जो कंप्यूटर प्रोग्रामर था वो कौन था, लेडी एडा लोवेलेस, ओके। सो आज हम लोग यही सीखा कि असेंबली लैंग्वेज होता क्या है और मशीन लैंग्वेज होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जो हम लोग अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, कोई समझ में नहीं आता है, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो अपना मेरा नंबर पे, या तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।